60 है ठीक है। बोलो ना इंट्रो दो, इंट्रो दो, दो। इंट्रो दे दे भाई, हेलो भाई जान है ना, वी आर नफ द बैंड। हाय गाइस, वी आर नफ बैंड और नुमान राजपर, नुमान अली राजपर का जो है वो कुक स्टूडियो में गाना आया है, तो साथ मिलके हम लोग उसको देख रहे हैं। पहली बार टाइम मिला है लॉन्च के बाद के हम उस गाने को एंजॉय कर सके। सबसे ज्यादा बिजी तो साथ था नुमान सर भी तो बिजी थे, सबको पता है कि कौन सबसे ज्यादा बिजी रहा है वो तो आवाज भी रहा है, आवाज भी बता दे कि आवाज भी बता दे कि कौन बिजी था। चलो गाने पे चलते हैं। ये भी है सही है। यार ये वाला इफेक्ट अच्छा है यार, फ्लावर्स ऊपर से आ रहे हैं, मतलब वेलकम कर रहे हैं ना उसको यार। नुमान रिली दिला दे, ये वाली रिली दिला दे यार, जो है ना उसका मैं फैन हूँ। और ये चाहिए अपने को आखिरी में जो रिली आती है शायद उसका भी मैं फैन हूँ। ये क्या बना रहे हैं पपड़ यार, उसमें ममतू ममतू नहीं नहीं एक लोला लोला का ममतू, अबे वो उलझा में होता है तो वो ये कुछ स्वीट छेड़े भी लगा रहे हैं क्या। बॉय को चमकाया है वैसे यार, ये जो नई कोटी है ना कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि गांव कौन सा है। अच्छा नुमान की आवाज ना लगी नहीं रही के नुमान है, बहुत डिफरेंट टोन है यार इस बार। देखा अभी जब गाना चल रहा था तैयार हो रही है। ओके इंट्रो में भी दिखा रहे हैं गेम में हमें तो यानी हमने सेलिब्रेट कर लिया और हमारी तैयार हो गई रेडी को हमें। हाँ ये सारा दिखा रहे हैं कि ये रेडी हो रहा है। अच्छा मैं डांस भी करूंगा ना, मैं गाते हुए डांस करूंगा ना, एंजॉय करूंगा ना भाई। सही है, सारी फुटेज खाऊंगा लेकिन फुटेज तो बॉय ने खाई है जो चार भाई पे आया है ना, ये बॉय भी स्वाग, स्वाग। ये सारे बॉयज कौन है जो ये इसको लेके साथ में करते हैं, ये यार वो टीम होगी ना जिस तरह खवातीन है सारी। ओके साइड किक्स ये बैकिंग वोकल्स देख रहे हैं नुमान के जो कितने मजे के लग रहे हैं, बहुत बहुत एक कूल सी वाइब आ रही है। ये जो बीट स्किप हुई है ना ये वाला, अभी लाइव परफॉर्मेंस में हमने कुछ ना कुछ इस तरह करना है। नहीं ये लाजमी करना है भाई, असल जो गेम है ये पार्ट जो असल गेम अंठी गए। ये नुमान तूने वैसे वाकई में ये जो टैलेंट ढूंढा है ना कसम से यार। अच्छा मजे की बात, मैंने इनसे कल बात की है दोनों से, उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या हुआ है। अच्छा दोनों को कोच ही नहीं है, दोनों को आइडिया ही नहीं है, उनको लगा भाई गाना अच्छा है ना, मेरे आपको पता है कि गाना अच्छा पहुंचा है, उसने कहा नहीं मुझे लगा बस अच्छा लग रहा है, एक दो पड़ोसी आए थे मुबारकबाद देने, मैंने कहा बिकॉज जब भी मोर आ रहा था वो उसी कॉर्नर से बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से टर्न कर रहा था और हमें ये बिल्कुल सेंटर से चाहिए था। ठीक है तो हम वीडियो तो हो गई थी बट पैकअप हमारा लेट हुआ इस मोर की वजह से, देन हमने क्या किया उसी राइट साइड पे एक प्रोडक्शन का बंदा खड़ा हुआ और लेफ्ट साइड से मोर के पीछे एक और बंदा खड़ा हुआ। ठीक है कि हम वहां से मोर को इस तरह बगाएं
आगे कोई दूर बंदा खड़ा हो तो वो ऑब्वियसली जहाँ बंदा खड़ा होगा वहाँ तो नहीं जाएगा। बट नो एनिमल्स वर हार्म्ड। नो 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 ऑब्वियसली दिस इज माय फेवरेट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। और ये सारा टैलेंट है कि ये भी थर बार बार सरानी कोट सारा टैलेंट बट वहीं से आया। ओह सारा टैलेंट है बट वहीं से ये ऑर्गेनिक ये आलाप आलाप चेक करवा यार ये तो। और जो उसकी ट्रीटमेंट हुई ना मतलब नेक्स्ट लेवल यार। अच्छा ये क्रू वहीं से लेकर आए थे? हाँ ये ओरिजिनल वही लोग हैं। अजीज गाजी ये वाला भी टाइट था। साउंड डोमिनेशन अब रेडी हो गया। कमाल कमाल। और ये वाला शॉट पानी तो पिएगा ही ना मतलब जब मोर ने 3 घंटे मेहनत की है तो प्यास तो लगी होगी उसको। जरूरी है कि वो पानी जाके पी ले और वो शॉट भी इतना प्यारा है। हाँ साइंस हो सकती है। साइंस तो यही बताएगा आर्ट है। ये आर्ट है कुछ तो उसके पीछे बहरहाल भाई ने काम किया है यार। नहीं ये जो मोर ने पानी पिया है इसके पीछे कोई साइंस थी यार? दरअसल देखो होता क्या है कि जो नेचुरली ना आप देखोगे तो मोर बहुत सेंसिटिव परिंदा है। ठीक है जब चार लोग बैठे हैं ना ये चार लोग उसके सामने खड़े हैं शाय होता है बहुत ज्यादा। वो पानी वानी क्या वो कुछ भी नहीं खाएगा वो पानी भी नहीं पिएगा। ठीक है हालांकि वो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही आ जाता जितना नॉर्मली वो होता है बट स्टिल वो ऐसे नहीं था कि उसके सामने किसी ने पहला रखा और वो छलांग मार के आकर उसने पानी पी लिया। इसमें भी मतलब एक एक चीज की अगर आप डिटेलिंग में जाओगे ना तो हर एक चीज को प्रॉपर दिखने के लिए उसके दो दो तीन तीन टेक्स हुए ताकि यार कोई चीज ऐसी ना रहे कि जहाँ पे हम बाद में कह के यार ये चीज बेहतर हो सकती थी। अगर आप वीडियो में दोबारा देखोगे कि वो एग्जैक्टली दरवाजे के सेंटर से राइट में टर्न करता है तो ये है कि पूरी टीम ने जो है उस पर मेहनत की है। बाकी आपका रिव्यू क्या है गाने का आप बताएं भाई जान। यार मेरा रिव्यू ऑनेस्ट ये है कि 6 साल 7 हो गए नफ्स के मुझे तो जो मैंने तुझे 6 साल सुना है उससे तू टोटली 200% अलग है। बिल्कुल ये तो है। और ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जुल्फी जुल्फी भाई का तो मैं नहीं कह सकता पर नोमान का उसमें जिक्र है कि उसने इतना बड़ा जंप इतना रिस्क इतना बड़ा लिया, रिस्क लिया और उसने रिस्क जुल्फी भाई ने जी मतलब हाँ जुल्फी भाई ने गवाया तो क्या गवाया बट वो एंड प्रोडक्ट क्या आएगा वो उसके बारे में तो किसी को नहीं पता था। और दूसरा उनका भी तो कुछ पता नहीं था सिंगर्स का और उनको उनसे जो इसने काम लिया है यार वो तो चलो फिर भी ये प्रिपेयर्ड उसको उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है अबे लेकिन आपकी सोच है इसको बंद कर दूं। हां बंद कर दो नहीं